रही है। हमारे भारत देश में संतों, महात्माओं, कलाकारों, संगीतकारों, सत्संगकर्ताओं, ऐसे महापुरुषों का, बहुत सा शहीदों का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उनमें एक जो है लता मंगेशकर भी विश्वविख्यात गायिका हुई है, जिनने देश के, भारत माता के, आज़ादी के अनेक ऐसे गीत गाए जिनको सुन करके और लोगों को आंसू आ जाते हैं, ऐसे ऐसे गीत गाए। लता मंगेशकर का जन्म 29 सितंबर 1929 को भारत में हुआ और निधन, दुखद निधन जो हुआ है आज 6 फरवरी को मुंबई के ब्रांच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ है। बहुत ही पूरा देश जो गमगीन हो रखा है, गम का माहौल हो रखा है, परंतु यह भी सृष्टि का सत्य है कि जो आया है उसको जाना पड़ता है। तो लता मंगेशकर ने जो देश के लिए किया उसको हम भूल नहीं पाएंगे। उनने पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं में, मराठी में, गुजराती में, सिंधी तक में भी गीत गाए, जो लोगों के दिलों में छाई हुई है, हम उनको हृदय से नमन करते हैं। आज यहाँ श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों ने बागचंदी दौलतानी, सुरेश जी तंबोली, महेंद्र जी बंसल, अशोक मुद्गल, अशोक गुलानी, मामा महेश शर्मा जी, सब लोगों ने मिलकर के यहाँ नारे लगाए हैं और उसको याद को चिरस्थायी बनाने के लिए कैंडल जलाकर, पुष्पांजलि कर नारे लगाकर नमन किया है। हम चाहते हैं कि उनकी जो जीवनी से प्रेरणा नई पीढ़ी भी लेती रहे। रमेश तालवा ने लता मंगेशकर आज हमारे बीच में नहीं रही, हमको बहुत ही, पूरे देश को बहुत ही बड़ा दुख है, क्योंकि लता मंगेशकर ऐसी एक सरस्वती इनके गले में बैठी हुई थी कि जो वो गाती थी तो पूरा देश रोने लग जाता था। अमेरिका वाले भी कहते थे भाई ऐसी क्या इनके गले में, कौन सी सरस्वती है हिंदुस्तान की, तो कम से कम हमारे को ये मालूम पड़े। लेकिन आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच में रहने ही नहीं, उनको हम तन याद करते हैं। अशोक दुलानी मामा, किस प्रकार का कार्यक्रम आज आप लोगों ने यहाँ पर किया? आज हमने कैंडल जलाए, श्रद्धांजलि अर्पित की, नारे लगाए और पुष्पांजलि जी की। हमारे साथ हमारे अजमेर महापरि महासंघ के महासचिव रमेश लालवाणी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल जी, अशोक मुद्गल जी, भागचंदी दौलतानी जी, सब ने हमने मिलकर प्रार्थना करी।